हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का सीन ऐसा है, कुछ ये रिमोट पड़ा था, मुझे लगा सॉक्स पड़ा हुआ है। एनीवेज, आज का सीन ऐसा है कि अभी सब हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर है सच मौसी के यहाँ। पहले मैं और मम्मी जाने वाले थे, और थोड़ा बहुत एक्चुअली मेरा इसलिए जाने का मन नहीं था बिकॉज मुझे हो रहा था कि मैं डेली व्लॉग कैसे कर पाऊंगा बाहर, क्योंकि देर इज़ नो वाईफाई, देर इज़ नो लाइक कॉन्टेंट, तो चलो दिमाग में होता है। एनीवेज, तो अभी का सीन ऐसा है, आई एम हैप्पी इसलिए क्योंकि पहले मैं और मम्मी जा रहे थे, अब हमने धीरे धीरे मैंने अंकल को पिंच आउट किया, अंकल भाई चल यार, अब वो होगा तो मतलब थोड़ा बहुत है कि साथ हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, पापा को भी कर लिया है अपने साथ। इतनी भी जल्दी क्या छूट जाए ना कोई, तू जरा धीरे धीरे से चलना, श्रेष्ठ शुक्ला। आगे आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, श्रेष्ठ शुक्ला आगे कुछ नहीं है, श्रेष्ठ शुक्ला आगे कुछ नहीं है। तुम्हारे छह अक्षरों का नाम है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मुड़ा यहाँ तुम्हारा क्या नाम है? दो नाम है मेरे। हाँ, दूसरा और दूसरा आद्या। आगे है कुछ? तितला। कल के बाद टेस्ट है। परसों से टेस्ट है? हाँ, टेस्ट है मेरे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे। हम लोग अभी लखीमपुर में हैं, लखीमपुर खीरी जिसको कहते हैं। अभी यहाँ पे एक बहुत स्पेशल मंदिर है जिसका नाम है मेंढक मंदिर। मेंढक जो होता है ना, मेंढक फ्रॉग, उसके शेप में पूरा, उसके पूरा ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। अब आपको दिखाते हैं। अभी हम सब लोग रेडी हो रहे थे, पापा, मैं, अंकल, मम्मी, मौसा, मौसी, हम लोग मौसी के घर आए हुए हैं लखीमपुर। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे वहाँ मंदिर। अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं, मैं आ गया हूँ, मतलब रेडी है, मेरे को बस ब्रेकफास्ट करने जाना है। बाहर जनरेटर चल रहा था इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे आके आवाज़ बना लूँ। और कमरों में थोड़ी सी लाइट का इशू है। यहाँ पीछे घर है ये मौसी का, ये वाला घर है मौसी का। 80 दिन हो गए थे मेरे को डेली व्लॉग करते हुए, एक दिन मिस करना पड़ा मुझे व्लॉग, उसके लिए मैं खुद को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था 100 व्लॉग्स तो कम्प्लीट करने हैं, उसके बाद ही एक दिन रेस्ट लूँगा, बट मैं शॉर्ट डाल चुका हूँ आज के दिन। जैसे हम एंटर हुए हैं इन्हें कहा कि बंद हो चुका है, चलो। हाँ, रुया कहीं अच्छी जगह से दिखाएंगे जहाँ से दिखेगा पूरा, लेकिन इतना सुंदर लग रहा है ना। आप, मैं मेंढक भी बाद में दिखाऊंगा, पहले ये देखो मंदिर, देख लो पहले मेंढक, बाद में देख लेंगे। जिस पे मैं, ये देखो ये है यहाँ का मेंढक। अबे यार पूरा बना रखा है ना, सामने से मेंढक है, मेंढक पर ही तो पूरा बना है मंडू। मैंने इसके बारे में जैसा पढ़ा था ना, वो बता रहे थे कि मेंढक की पीठ पे शिवलिंग है और ऊपर है शिवलिंग, और इतना ऊंचा कुआं भी आपने नहीं देखा होगा, वो कुआं है। हाँ, अभी कुआं पे चलते हैं, ऊपर कुआं नहीं देखा होगा, चल सकते हैं ना कुआं तो ऊपर, चलेंगे ना? हाँ चलेंगे, अभी तुम तो जा चुके हो। मैं तो जा चुका हूँ, मैं तो, अभी ये लोग नहीं गए ना, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। एक फोटो देखो, ये मेरी, तू भी गया? यस। बस मेंढक पे लोगों ने लिख दिया है राज लक, लव लक्ष्मी, ये लव वो ये वो। बिल्कुल चढ़ेंगे यार, कोई बात नहीं, अभी पहले देख लेते हैं पूरा। हाँ, मेंढक की पीठ पे आ चुके हैं अभी हम लोग। वहां पंडित जी को देख रहा हूँ, कुछ कहे ना, ये आंखें भी बना रखी हैं मेंढक की यहाँ पे। हाँ चलो, फिलहाल मंदिर बंद होने का टाइम आ गया, बहुत देर में आए पहुंचे हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ है कुछ, यहाँ कुआं, कुआं नहीं, मंदिर को दिखा पहले। यहाँ पे जो कुआं है ना, वो दुनिया का सबसे गहरा कुआं है, सबसे गहरा कुआं है। तो ये है फिलहाल यहाँ लखीमपुर का मेंढक मंदिर, जो कि मेन रोड से बहुत अंदर पड़ता है। और इसमें शहद कितना ज्यादा होगा,
शहद छोड़ भाई, हमारा कितना निकाल लेंगी अगर सोच पीपी यहाँ से ऊपर चढ़ जल्दी चल पीपी। यार यहाँ मधुमक्खियाँ पड़ी हैं भाई पैर पे, मुझे लग रहा है अगर घुस गया ना गलती से इनका टैंक भाई झंझना जाएंगे बिल्कुल। बस एक चीज बहुत गलत है, इतनी खूबसूरत इमारतों पर ये लोग जो करते हैं ना अपनी कारीगरी, क्या लिखा है ये सिद्धार्थ वर्मा लव अंकित है, देव ईशान वर्मा लव अंकित, माना सब लीगल है पर फिर भी यार थोड़ी तो वो करो, कुछ भी मत लिखो, ये कहने का मतलब है। क्या हो गया, वहां से घूम के नहीं जा सकते क्योंकि वहां से शिव जी का जो शिवलिंग का पूरा चक्कर नहीं मारते ना, तो वैसे यहाँ पे मार नहीं सकते, और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बट अभी बंद होने वाला है मंदिर, मौसा जी के जाने वाले पंडित जी थे तो थोड़ा सा डीले करवा लिया है। एक चीज अच्छी है, हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ लोग अपने ऐसे मिल जाते हैं, थोड़ा जान पहचान निकल ही आती है कहीं ना कहीं से, उसी बात का डर लग रहा है थोड़ा सा। मधुमक्खियां, तो ये है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे गहरा कुआं, इतनी ऊंचाई पर कुआं आपने नहीं देखा होगा। हाँ ये संचालित है अभी तक, पानी बाल्टी डालेंगे मौसा जी, ये देखो ऐसे दिखेगा नहीं पर मेरी ये शक्ल दिख रही है क्योंकि यहाँ पे पानी है। हेलो, अच्छा ये कुआं है, हमको यहाँ बोल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बोल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी आ जाएंगे पंडित जी ऊपर, अंदर कुछ नहीं दिख रहा भाई। ओ भाई ये इसके ऊपर बेटा पुली, तुम ही को कहते हैं सब क्या अंग्रेज, बिल्कुल पुली है ऊपर, बस हाथ क्यों कर रहा है, हटो। हो आई एम मेकिंग अ वीडियो, देखिए जरा अब भारी हो गया पानी, अब भारी हो गया। अरे मम्मी नीचे बाल्टी भी तो दिखानी चाहिए, कितने आ गई अभी, तो बहुत कम आई है बेटा। ओ माय गॉड, चलो आओ श्रेष्ठ, चलो बेटा नहा लो, शाबाश। वो करता है ना पानी निकालेगा, दोनों के दोनों रहेंगे ऐसे, इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनाया फिर भी इनको ऐसे ही नहाना है। भाई करोगे आप, मम्मी करोगी, हम करना पसंद करेंगे दोस्त। मैंने चश्मा पहन रखा है अंदर शिव जी, यहाँ पे पुराने जमाने की जो भाषाएं होती थी, लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में बात किया जाता है वो सब लिखा हुआ यहाँ पे, नहीं अभी कहीं पे लिखा हुआ देखा था मैंने। यहाँ से वहाँ जाने का ये है, इस कुंडे को पकड़ो और पहुंच श्रेष्ठ, तू नहीं बाबू तू मत प्लीज आ जा। ओ भगवान मेरे अंकल, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता देख, बाप रे वो लटक रहा है, क्या लटक रहा है भाई, छत्ते ही हैं सारे, वो खुद नहीं कुछ कपड़ा है चुड़ैल लेके ऊपर। ए ये कैसे देख रही थी, कतई मुड़ी हुई आहा, मुड़िया पैरिया तो नहीं है भाई। अंकल चल जा आगे जा, मेरे को अजीब हो रहा है यार, मधुमक्खी ऐसा लग रहा है एक हल्का सा भी आ गया ना। एशिया में ऐसा पहला मंदिर है जो मंडूक तंत्र पर बना हुआ है, मतलब ऐसा ये मेंढक के ऊपर, अच्छा आध्यात्मिक रूप से जब आप जानेंगे तो ये मंडूक तंत्र पर आधारित मंदिर है जो मेंढक के ऊपर बना हुआ है, वो मेंढक का सर है, बट बहुत ही अच्छा है यार जो भी है। ये ले लें सब, चारों मंदिर आ गए इसमें, देखो ना बैठो फिर मेरी महारानी, राजा महाराणा की महाराजा की होती थी लेकिन रानी को बैठा दिया। अंकुल खो गया, लेके हम आए थे पता नहीं कहाँ चला गया बेचारा, हर कोई एक बार मेढक की पीठ पे चढ़ के देख रहा, तू चढ़ा नहीं उधर बेचारी पीठ टूट जाएगी। हाँ ये तो है, तू भारी बहुत है बेटा, तुझे साधना करने यहाँ आ जाते। नहीं वो बात तो सही है, जब मौसा जी दुखी हो जाते हैं थोड़ा सा, जब मौसी जी परेशान बहुत करती हैं तो मौसा जी यहीं आके अपना योगा वोगा शुरू करते हैं, हाँ साधना करते हैं, कुछ टाइम में सन्यासी बन जाएंगे ऐसे ही मौसा। नंदी जी मैंने पहली बार देखा ऐसे खड़े हुए हैं जी, खड़े हुए पहली बार देखा है नंदी जी, हाँ ऐसा होता है।
पूछ लो पंडित जी, और कहीं भी नहीं, कहीं नहीं होते ना खड़े, सब जगह बैठे हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, बस केवल एक ही है जो खड़े। आजाद भगत सिंह कुछ बताया हमने, और यहाँ पे ऐसी पहले शिवलिंग है वो नंदी जी हैं जो खड़ी हुई हैं, वरना हर जगह नंदी होती हैं बैठी हुई। ओके गाइज, यहाँ तक की अगर वीडियो अच्छी लग गई है प्लीज़ मैंने आप लोग को पूरा जो यहाँ लखीमपुर का जो मेंढक मंदिर है वो आप लोग को घुमाया। वीडियो अगर अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस कलर का बटन शेयर जरूर करें, शेयर इस कलर का बटन है उसको जरूर दबा दें, इस कलर की घंटी आती है उसको भी जरूर दबा दें। वन प्रे, वन प्रे, आपको आज शाम तक एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। ऐसा नहीं है, अपने दिल से एक बार शेयर कर देना, ब्यूटीफुल वेदर भी तो दिखाना है। चलो गाइस, आगे हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं एक नए मंदिर जो कि आप कल देखोगे, बहुत अच्छा है। मैं एक व्लॉग में सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा इसलिए हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं, आप लोग वहाँ का देखना। उसके बारे में एक बात बता देता हूँ, जस्ट सो कि आप लोग कनेक्टेड रहो, वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आज भी भगवान दिखते हैं शाम को, सो हम लोग वहीं जा रहे हैं। ओके गाइस, सी यू, टेक केयर, पीस एंड लव, बाय बाय, और कभी मौका मिले तो आना ज़रूर यहाँ पर।